हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आदित्य एल1 इट्स फंक्शनिंग एंड पर्पस, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आज आया है द हिंदू में कि इसके फंक्शन क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टार्ट कर लूँ। बहुत मुझको ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि पहली बात हम भेज क्यों रहे हैं, हमें तो ये तो पता होना चाहिए ना हम क्यों भेज रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअली व्हेन वी हडल नियर अ फायर वी फील वार्म एंड एज वी मूव अवे द वार्मथ इज रिड्यूस्ड। समझ रहे हैं, जैसे आग है, इसके पास जाएंगे तो गर्म लगेगा, दूर भागेंगे तो थोड़ा कम गर्म लगेगा। बट सरप्राइजिंगली द सन एंड इट्स एटमोसफियर डोंट फॉलो दिस रूल। मेड अप ऑफ सूप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटोन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड अदर आयन्स मिक्सड विद सोलर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसमें क्या क्या है, देखिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड अदर आयन मिक्स्ड इन सोलर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। समवेयर बिटवीन 10 एंड 20 सोलर रेडियाई फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सन, द सोलर कोरोना, द एटमोसफियर ऑफ द सन इज एन इनिग्मा। वाइल द सर्फेस ऑफ सन इज 5600 डिग्री, द कोरोना इंटरेस्टिंगली इज अबाउट 2 मिलियन डिग्री। मतलब अगर ये सन आप देख रहे हैं तो इसका जो सरफेस, ये सन का सरफेस है, तो इसका 5600 डिग्री इसका टेम्परेचर है, पर इसका जो कोरोना है वो 2 मिलियन डिग्री है। वी हैव सम आइडिया ऑफ व्हाई इट इज़ सो बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट फुल्ली रिजॉल्व, सेज दीपांकर बनर्जी, डायरेक्टर ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ओके, ये एरीज ये है और उसके डायरेक्टर दीपांकर बनर्जी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आदित्य एल1 विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द सन एंड हाउ सोलर वेरिएबिलिटी इम्पैक्ट द क्लाइमेट ऑन अर्थ एंड अफेक्ट द स्पेस वेदर। कि इससे, जैसे यहाँ पे अगर अर्थ है तो उससे स्पेस का और अर्थ का क्या रिलेशन है, क्या इम्पैक्ट होगा, आदित्य एल1 के लिए के वजह से हम ये चीज़ समझ पाएंगे। मॉनिटरिंग द सन डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिकल जोसेफ लुइस लैंग्रेंजे 1 इज वन ऑफ द 5 पॉइंट्स लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द अर्थ आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, सन ऑब्वियसली बड़ा है और यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ पे बीच में जो पॉइंट है वो अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे है और इसका यहाँ से डिस्टेंस अर्थ का मून तक है 15 मिलियन और ये पॉइंट है 1.5 मिलियन, मतलब 1/10 टाइम दूर है। और यहाँ पे जो हम सेटल करेंगे अपने आदित्य एल1 को, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना इसको ये अपने तरफ खींचेगा ना ये खींचेगा, अर्थ ना ही सन, तो ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम में वहाँ पे आराम से रह सकता है। हेंस अ स्पेस क्राफ्ट प्लेस्ड एट एल1 ऑर्बिट्स द सन एट द सेम रेट एज अर्थ एंड अफोर्ड्स टू अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द सन, मेकिंग इट एन आइडियल ऑब्जर्वेशन पोस्ट फॉर स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरीज। द एल1 इज करेंटली होम टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन सोहो, ऑब्जर्विंग द सन एंड इट्स डायनेमिक्स। देखिए ये यूरोपियन का ESA हो गया, नासा आपका अमेरिका का हो गया एंड सोहो है आपका, ऑब्जर्विंग द सन एंड इट्स डायनेमिक। आदित्य एल1 विल जॉइन दिस ऑब्जर्वेटरी टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द डायनेमिक्स ऑफ द सन। लॉन्च ऑन September 2, द क्राफ्ट विल अंडरगो 5 ऑर्बिट रेजिंग मैनोवियर बिफोर बींग सिंगल शॉट टू एल1 पॉइंट। द शिप विल कॉस्ट फॉर अबाउट 4 मंथ बिफोर इट रीचेस एल1। मतलब यहाँ से अगर ये अर्थ है, ये सन है, ये एल1 है, यहाँ तक जाने में उसको ऐसे ऐसे वेलोसिटी लेगा तब पहुँचेगा और उसको 4 महीने लगेंगे। एट द स्टेज द थ्रस्टर विल बी फायर्ड टू मेक द क्राफ्ट सर्कल अराउंड द एल1, प्लेसिंग इट इन व्हाट इज नोन एज अ हेलो ऑर्बिट अराउंड एल1। फ्रॉम दिस वेंटेज पॉइंट आदित्य एल1 कैन ऑब्जर्व द सन 24/7 यूजिंग इट्स 4 रिमोट सेंसिंग पेलोड एंड मेजर इन सीटू द वेरियस पैरामीटर ऑफ सन वेदर टू अंडरस्टैंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी लाइक अ हार्ट बीट। सोलर एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ सन स्पॉट।
Sunspot are cooler region on the sun's surface, which increase the increase and decrease the in a cycle of 11 years. When the sun is active, the number of sunspot is in hundreds, and at a solar minimum, the number are nearly zero. However, according to Anam Prabhu Ram Prakash, who is with the Pune-based Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, despite the variation in solar activity, the emission in visible and long wavelength is nearly steady. Whatever changes we observe in solar radiation, nearly 80% occur in ultraviolet range. The Earth's upper atmosphere absorbs most of the solar UV rays. The absorbed energy affects the temperature composition, atmosphere composition, temperature, and other parameter. It is imperative to know how far variation in the UV rays emitted by the sun contributes to climate variability on Earth. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics in close collaboration with the ISRO, the Center of Excellence in Space Science India, Mohanpur, the Manipal Academy of Higher Education, etc., will observe the UV radiation from different zones of solar atmosphere. The onboard intelligence system will detect a sudden appearance of bright spots such as solar flare, a sudden burst of high energy visible light, UV rays, X-ray, gamma rays on the disk. The automated system will trigger the rapid imaging of different layer, and thus we will obtain 3D tomographic view of sun. With this system in place, the event's progression through the layer of solar atmosphere can be imaged. Combining the data from solar low energy X-ray spectrometer and the high energy L1 orbiting X-ray spectrometer developed by the ISRO, Bengaluru based, can help us gain insight into emergence, progression, and energetic of transient event on surface of sun in the UV region. Observing the sun using the SUIT will enable us to better understand climate variation on Earth. Earth's climate has definitely changed. Global warming is real. The data from SUIT and other paper of Aditya L1 will help us resolve the contribution of natural and anthropogenic factor driving climate changes, say Ram Prakash. Looking deeper, at times, sun sneezes like a tongue of fire. A chunk of corona suddenly accelerates the leap into interplanetary space called coronal mass ejection. This could consisting of billion tons of energetic plasma mixed with the solar magnetic field is hurtled at 250 km per second to 3000 km per second. Usually, the corona is not visible in the glare of radiant sun except during the brief moment of total solar ellipse. However, solar physicists can create artificial ellipse in a solar telescope called coronagraph to observe the corona. Hitherto, no space telescope could peer at a inner corona closer to the sun. They could look at either 1.1 solar radii or larger. However, theoretical study indicates that the acceleration of the coronal mass ejection happened below 1.1 solar radii. With no insight into solar corona inner path dynamics, the visible emission like coronagraph developed by Bengaluru based Indian Institute. Theek hai bhai. When the solar storm brew along with sunlight and electromagnetic radiation such as ultraviolet ray, the sun emits the constant stream of charged particle and a mixture of solar magnetic field that travel throughout the interplanetary space called a solar wind. An average speed of flow near Earth is about 300 km per second. The solar wind constantly ramps the Earth's magnetosphere, which function like a shield and deflect most of it. Nevertheless, the energetic particle from the solar wind sneak throughout the weak magnetic region of the Earth. The northern and solar poles are interact with the molecules in the atmosphere, creating the dazzling display of aurora. Violent eruption like
सोलर फ्लेयर एंड सीएमई ट्रिगर द सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म जिनोमैग्नेटिक स्टॉर्म अकर व्हेन द सोलर स्टॉर्म मैसेज द अर्थ जस्ट अ सेकंड मैसेज द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर व्हाइल ब्रिलियंट ब्यूटीफुल अरोरा अपीयर एज द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल फ्लो थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल जीपीएस एंड शॉर्टवेव कम्युनिकेशन आर डिसरप्टेड एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सैटेलाइट्स आर इन डेंजर इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कैन इंड्यूस मैग्नेटिक इंड्यूस करेंट्स इन द पावर ग्रिड ऑफ एंड पाइपलाइन रिजल्टिंग इन पावर आउटरेज एंड फायर द एनर्जी फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल हीट्स द अपर एटमोसफियर इंक्रीजिंग द डेंसिटी एंड कॉजिंग एक्स्ट्रा ड्रैग ऑन सैटेलाइट्स एंड लो अर्थ ऑर्बिट द चेंजेस इन सोलर विंड्स डेंसिटी स्पीड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पेस वेदर सोलर स्टॉर्म रिजल्ट इन इंक्रीमेंट स्पेस वेदर आदित्य L1 विल फंक्शन एज ए स्पेस वेदर स्टेशन द आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट डेवलप्ड बाई इसरो अहमदाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द प्लाज्मा एनालाइजर इतना ठीक है डेवलप्ड बाय इतना ठीक है यूजिंग द डेटा फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट कैन प्रिडिक्ट प्रोबेबल जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म एंड बेटर अंडरस्टैंड स्पेस वेदर डायनेमिक नियर अर्थ इन वर्न इज फिल्ड विद हंड्रेड ऑफ सैटेलाइट्स एंड द चेंज इन द स्पेस वेदर कैन अफेक्ट देम डायरेक्टली द ट्रेजेक्ट्री कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इम्पैक्ट ऑफ सोलर स्टॉर्म ऑन अपर एटमोसफियर इसरो अलोन हैज 50,000 crore वर्थ ऑफ स्पेस एसेट्स सेज मिस्टर दीपांकर अंडरस्टैंडिंग स्पेस वेदर इन एन इंटरनेशनल इशू एंड द डेटा फ्रॉम आदित्य L1 विल एड इन मेकिंग मॉडल एंड प्रिडिक्टिंग स्टॉर्म इन एडवांस तो ये था इस आर्टिकल में जस्ट अ सेकेंड तो इस आर्टिकल में इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आदित्य L1 इसमें क्या क्या इसके पेलोड्स हैं ये इसमें दिया हुआ है जैसे सूट हमने देखा और भी बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में देखी थी और वो क्या क्या जैसे सोलर जो वेव्स निकल रहे हैं आपके वो अर्थ है अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हम लोग अरोरा देखते हैं वो डिफ्लेक्ट कर देता है इसके मैग्नेटिक वेव फिर भी यहाँ पे हम लोग अरोरा देखते हैं जो ब्यूटीफुल लाइट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वो हम देखते हैं तो वो इस वजह से होता है एंड एक और चीज़ आपने इस आर्टिकल में ध्यान दिया होगा जैसे अर्थ के चारों तरफ ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं तो अगर स्पेस टेम्परेचर या स्पेस एटमोसफियर सन के इससे रेडिएशन से थोड़ा भी डेविएट होगा तो ये सारे सैटेलाइट अपने ख़राब हो सकते हैं तो इसको भी स्टडी कर सकते हैं किया जाएगा अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं जो फर्दर हमें इम्पैक्ट करें इसलिए आदित्य L1 मिशन गया है उस पॉइंट पे L1 पॉइंट पे एंड ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट देखेंगे हमें इसके लिए क्या जानना है बस आदित्य L1 जानना है उसके बारे में उसके पेलोड्स हमें पता होने चाहिए और उसके ऑब्जेक्टिव जो इस आर्टिकल में हमने पढ़ा है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है जैसे ये मैंने आपको बताया एंड ये अरोरा उसके इम्पैक्ट क्या क्या है और डीपली स्टडी करेगा कि जैसे अब हम लोग आग के पास जाते हैं तो गर्म लगता है दूर हो जाते हैं ठंडा लगता है पर सन के सरफेस से ज़्यादा गर्म सन का ये वाला पार्ट हो जाएगा जो उसके आसपास है तो ऐसा क्यों यहाँ से दूर जाने पर तो गर्म होना चाहिए पर ये 2 मिलियन टेम्परेचर है ये 5,600 डिग्री सेल्सियस है ये 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो अभी रिवील नहीं हुई है हमें नहीं पता उसका अपना मिस्ट्री है तो आदित्य L1 मिशन शायद से जाए ये सारी चीज़ें स्टडी करें और हमें डीप सीक्रेट्स ऑफ द स्पेस एंड सन पता चलेगा सूर्य देव के बारे में हमें पढ़ना है तो वो ईजी तो होगा नहीं तो थैंक यू गाइज वर्क हार्ड एंड आप भी आदित्य L1 की तरह सक्सेसफुली लॉन्च हुई है अपने लाइफ में और बहुत नाम करिए थैंक यू एंड वर्क हार्ड थैंक यू